हे गाइस व्हाट्स अप एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने इंडिया से ढेर सारा लग्जरी कार को इंपोर्ट करवाया था, और बेसिकली हम लोगों ने जो कार को इंपोर्ट करवाया था वो था हमारा लैम्बोर्गिनी टैडजो, लैंड रोवर डिफेंडर, द ग्रेट वॉल मोटर्स, बुगाटी वीरॉन, और हम लोगों ने एक बाइक को भी इंपोर्ट करवाया था जिसका नाम था BMW S1000 RR। और गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो में हम लोग अपने एक SUV को माउंट चिलियाट के ऊपर चलाने वाले और देखने वाले हैं कि ये वाला जो हमारा SUV है वो माउंट चिलियाट के ऊपर जा पाता है कि नहीं जा पाता है। इस वाले SUV का नाम है लैंड रोवर डिफेंडर, और यार ये देखने में काफ़ी ज़्यादा औसम लगता है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो गाइस इस वाले कार को हम लोग फटाफट से माउंट चिलियाट के ऊपर चलाने वाले हैं, बट उससे पहले इस वाले कार को ना गाइस हम लोग को मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, तभी हम लोग इस वाले कार को माउंट चिलियाट के ऊपर चला सकते हैं। क्योंकि यार इसका जो टायर है ना वो इतना ज्यादा खास नहीं है, और इसका जो ब्रेक्स है उसको भी हम लोगों को थोड़ा बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा। तो गाइस आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाओ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो यार फटाफट से इस वाले वीडियो को लाइक करो, क्योंकि गाइस आज का जो लाइक टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ 20 लाइक टारगेट। तो यार फटाफट से आज के लाइक एम को कंप्लीट करो जो कि है 20 लाइक्स का। ओके, तो गाइस माउंट चिलियाट में जाने से पहले ना गाइस हम लोगों को पहले इस वाले कार को मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, तो फटाफट से हम लोगों को जाना पड़ेगा गैराज, क्योंकि गाइस इस वाले कार को ना हम लोगों को थोड़ा बहुत ब्रेक्स को मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, और इसका जो टायर है ना उसको तो यार टोटली हम लोगों को मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। क्योंकि यार ये वाला जो कार का टायर है ना गाइस वो इतना ज्यादा खास नहीं है कि यार ये वाला कार मतलब माउंट चिलियाट के ऊपर चढ़ जाए। भाई साहब वेट, भाई क्या कर रहा है ये बंदा। ओके, तो फटाफट से हम लोग को जाना पड़ेगा सबसे पहले गैराज, क्योंकि इस वाले कार का ना गाइस कलर जैसा कि आप लोग देख सकते हो यार ब्लैक कलर का है, और यार ये वाला जो ब्लैक कलर है ना वो माइकल को इतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा है। तो माइकल काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस वाले कार का कलर को चेंज करने के लिए। तो देखते हैं गाइस अगर हम लोगों को वहाँ पर कोई अच्छा सा कलर पसंद आ जाएगा ना तो यार उसको भी हम लोग जो है वो कलर को अपग्रेड करवा लेंगे। तो फिलहाल के लिए गाइस हम लोग आ चुके अपने ऑटो रिपेयर के पास। ओके, तो फटाफट से ओए इसकी भैंस की टांग, ये हम लोग आगे ही जा रहे थे, इधर से हम लोगों को जाना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने यार गैराज के अंदर, तो फटाफट से गाइस इसको हम लोग जो है वो मॉडिफाई करवा लेते हैं। 3 hours later। ऑलराइट, तो गाइस फाइनली हम लोगों ने इस वाले कार को फुल्ली मॉडिफाई करवा लिया है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो गाइस बेसिकली हम लोगों ने इस वाले कार का सबसे पहले तो यार टायर को हम लोगों ने चेंज किया, जिसमें हम लोगों ने स्पोर्ट्स टायर को सेट किया, और इसमें हम लोगों ने आर्मर को अपग्रेड किया और ब्रेक्स को भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया, क्योंकि यार हम लोग जो है माउंट चिलियाट जाने वाले हैं। और यार आप लोग देख ही सकते हो कि इसका जो कलर है ना वो हम लोगों ने रेड कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन रखा, जो कि हमारे लैंड रोवर डिफेंडर के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो गाइस फटाफट से अभी हम लोग लोकेशन सेट करते हैं, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा दूर होने वाला है हमारे लोकेशन से जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो फटाफट से गाइस अभी हम लोग जो है वो निकल पड़ते हैं अपने माउंट चिलियाट की तरफ, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो अभी का जो टाइम है ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला टाइम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यार हमारे लॉस सैंटोस में काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी हम लोगों को ट्रैफिक नज़र आ रहा है। ओ भाई साहब ये देखो गाइस, यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो एक्सीडेंट होने वाले थे, बट यार अभी जो हम लोगों का जो स्पीड है वो यार अभी हम लोगों को तो पता नहीं चल रहा। ओके, तो यार अभी हम लोग जो है वो इधर से हम लोगों को जाना पड़ेगा। ओके, तो गाइस अभी ना हम लोगों को अपने कार को काफ़ी ज़्यादा संभाल के ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि यार इसका जो स्पीड है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इस वाले कार में, क्योंकि हम लोगों ने इस वाले कार को फाइनली फुल्ली अपग्रेड कर लिया है। तो और गाइस देखना ये होगा कि ये वाला कार को हम लोग माउंट चिलियाट के ऊपर चला पाते कि नहीं चला पाते। आई थिंक यार मुझे लगता है कि यार ये वाला जो कार है ना वो इजली हमारे माउंट चिलियाट के ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन यार अभी हम लोगों को वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि इस वाले कार को हम लोग माउंट चिलियाट के ऊपर चढ़ा पाते हैं कि नहीं चढ़ा पाते हैं। तो फिलहाल के लिए गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यार अपने लोकेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर। पटपट में ओ भाई 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 साहब यार इसकी भैंस की टांग, यार एक बंदा कैसा टैक्सी ड्राइवर है भाई, एक कैसे ओए आराम से आराम से, अबे हम लोगों को कहीं नहीं जाना भाई, वेट वेट वेट, अरे यार ये बंदा ओ भाई, अबे अबे अंकल अबे आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, आपको तो हमने कुछ नहीं किया, इसकी भैंस की टांग गाइस। ओ भाई भाई गाइस ये देखो। ओके, तो यार अभी ना हमारे पीछे पुलिस भी लग सकती है, इसलिए हम लोगों को यहाँ से ना भागना पड़ेगा। ओके यार यहाँ पे देखो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत ना मतलब टैक्सी यहाँ पे हम लोगों को ठोक दिया, बट यार अभी ना हम लोगों ने अपने आर्मर को, इसकी भैंस की टांग यार, ये बंदा लॉस सैंटोस में सब बंदे क्या नशे में ही है क्या, इसकी भैंस की टांग मतलब कार को चला रहे हैं गाइस, बट पता नहीं कैसे ही कार को चला रहे। ओके, तो
तो यार हम लोगों ने ना आर्मर को फुल्ली अपग्रेड किया था, जिस कारण से हमारा जो लैंड रोवर डिफेंडर है ना वो फुल्ली सेफ है। यानी मतलब अगर हम लोग थोड़ा बहुत अगर हम लोग किसी को ठोक भी देते ना तो हमारे लैंड रोवर को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इसकी भैंस की टांग गाइस गाइस गाइस, यहाँ पे एक बार और एक कार ने हम लोगों के लैंड रोवर को ठोक दिया है। भैंस की टांग, ये देखो गाइस, ये वाला जो कार है ना क्या ही खतरनाक ड्रिफ्टिंग मारता है भाई साहब। यार ये क्या ही हो रहा है लैंड रोवर डिफेंडर के साथ भाई, जो भी बंदा आ रहा है हमारे कार को ठोकते भी जा रहा है। इसकी भैंस की टांग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वो सामने में हम लोगों को माउंट चिलियार्ड नज़र आ रहा है, जो कि यार हमारे लोकेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, और हम लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोगों को फिलहाल के लिए माउंट चिलियार्ड जाना पड़ेगा। ओह भाई, वेट 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 यार, ये क्या ही खतरनाक, इसको हम लोगों ने मॉडिफाई करवाया है यार, ये काफ़ी खतरनाक ड्रिफ्ट मारता है। तो हम लोगों को इस वाले कार को काफ़ी ज़्यादा संभल के ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये वाला जो कार है ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिफ्ट करता है। तो हम लोगों को इस वाले कार को काफ़ी ज़्यादा संभल के ही ड्राइव करना पड़ेगा, खास करके तब जब हम लोग इस वाले कार को माउंट चिलियार्ड में लेके जा रहे हैं, यानी कि ऑफ रोडिंग में यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो गाइस मैं बात कर रहा था ऑफ रोडिंग का, तो यार अभी तो यार हम लोगों को काफ़ी अच्छा रोड नज़र आ रहा है, क्या होगा जब इस वाले कार को हम लोग ऑफ रोडिंग में ड्राइव करेंगे, तो यार अभी हम लोगों को पता चलने वाला है ये क्या ही खतरनाक कार है भाई। ओके, तो गाइज यहाँ से ना हमारा जो ऑफ रोडिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, और देखते हैं कि यार ये वाला जो कार है ना वो कहाँ तक हमारा साथ दे पाता। आई थिंक यार मुझे तो लगता है ये वाला कार हमारा लास्ट तक साथ देने वाला है, यानी कि इस वाले कार को हम लोग माउंट चिलियार्ड पे लेके जाने वाले हैं, और उसके बाद देखते हैं कि यार क्या होता है। बट यार यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा बहुत ना संभल के ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये वाला जो कार है काफ़ी खतरनाक ड्रिफ्टिंग करता है। ओके, तो यार यहाँ से ना हम लोगों का फाइनली जो ऑफ रोडिंग है वो हो चुका है स्टार्ट, और जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो ये वाला जो कार है ना काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो ऑफ रोडिंग का ड्राइविंग संभाल रहा है। बट यार बचे हम लोग अभी यहाँ पे। ओके यार, लेकिन यार यहाँ से ना हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा संभाल के अपने कार को ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अभी ना हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर हाइट पर चढ़ने वाले हैं। तो यार मैं नहीं चाहता है कि यार इस वाले कार को ना कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो। और गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यार यहाँ से ना हमारा जो लॉस सैंटोस सिटी ना, तो यार वो तो कभी दूर दूर तक हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। ओके, तो यार अभी जो है हम लोग वो फाइनली माउंटेन वाले एरिया पे आ चुके हैं, इसलिए हम लोगों को अपने कार को काफ़ी ज़्यादा संभाल के ड्राइव करना पड़ेगा भाई साहब। ओके, तो यार यहाँ पर हम लोगों को एक टनल्स नज़र आता है, फटाफट से इस वाले टनल्स को हम लोग करते हैं क्रॉस। ओके, ओ भाई साहब, ओ भाई इसका जो साउंड है ना गाइस, ये देखो क्या ही खतरनाक साउंड है इसका भाई साहब। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ बंदा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे ना हम लोग इस वाले बंदे को हम लोग देखते हैं क्या ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। ओके, शायद से ये बंदा का ना कार खराब हो गया, तो एक बार चेक करते ये वाला कार चल पाता है कि नहीं चल पाता। ओ भाई साहब ये कार तो सही है गाइस, बट ये लोग हमारे दुश्मन बन चुके। भाई वेट भाई, इसकी भैंस की टांग तू मुझे मारेगा। अबे तो मैं तो बस तेरी कार चेक कर रहा था, तू तो मेरे ऊपर आ गया। ओके, तो यार हमारे पीछे पुलिस ना पड़ जाए, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा भाई। और ये देखो ये बंदा यहाँ से भागते हुए जा रहा, हेलो भाई साहब। ओके, तो यार ये वाला जो रोड है ना भाई साहब, क्या ही खतरनाक डेंजर रोड है भाई। ओके, तो फिलहाल के लिए हम लोग गाइस यहाँ से अभी हम लोग जाने वाले माउंट चिलियार्ड। आई थिंक यार वो देखो वो रहा हमारा माउंट चिलियार्ड, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा दूर है। यहाँ का जो रोड है ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रोड है, तो हम लोगों को इस वाले कार को काफ़ी ज़्यादा संभल के ही ड्राइव करना पड़ेगा। ओ भाई भाई भाई, वेट गाइस। ओके, ये देखो वो रहा हमारा माउंट चिलियार्ड, जो कि यार अभी भी यार काफ़ी ज़्यादा दूर है। ओके, तो एक काम करते हैं यहाँ से ना हम लोगों को उतर के एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो लॉस सैंटोस सिटी है वो नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओ भाई ये देखो गाइस, हमारा जो लॉस सैंटोस सिटी है ना वो तो हम लोगों को दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो फिलहाल के लिए हम लोग यार फटाफट से अपने माउंट चिलियार्ड के ऊपर चढ़ने वाले हैं। और गाइस इस वाले कार का जो लुक है ना भाई, वो क्या ही डेंजर लग रहा है हम लोगों को। यानी इस वाले कार का जो कलर है वो तो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और ये वाला कलर, ओए आराम से भाई, वेट गाइस, यहाँ पर ना हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा संभाल के इस वाले कार को भाई चढ़ जा भाई। ओ भाई साहब वेट। ओके, ओए ओके, तो गाइस फाइनली हम लोगों ने इस वाले कार को ऊपर चढ़ा लिया, और देखते हैं गाइस आगे हम लोगों को और कितना ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला। ए हेलो भाई, चलो निकलो यहाँ से। ओए ये तो आंटी भाग ही रही है, इसको आंटी को पता नहीं क्यों डर ही लग रहा है भाई साहब। ओके, तो गाइस यहाँ पे आई थिंक यार ये कार शायद से चढ़ जाना चाहिए। तो यार ये देखो हमारा जो एसयूवी है ना यार, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एसयूवी है, मतलब इजीली मतलब इस वाले रोड को क्रॉस कर जाएगा। और इस ओके
ओके, तो यार यहाँ पे हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं, और गाइस यहाँ पे ना हम लोग को काफ़ी ज़्यादा संभल के भी ड्राइव करना पड़ेगा। अगर यहाँ से ये वाला कार गिरता है ना, तो यार यार हमारा जो खेल है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। भाई भाई वेट वेट वेट, ओके ओके। तो गाइस हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं हमारे माउंट चिलियाड से। ओके ओ भाई साहब, वेट गाइस, ये देखो ये कितना ही ज़्यादा खतरनाक। ओए भाई ये देखो गाइज, यहाँ से ना क्या ही खतरनाक लुक हम लोगों को नज़र आ रहा है। जहाँ मतलब हम लोगों का नज़र जाता है ना, वो पहाड़ या समंदर ही हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो फिलहाल के लिए गाइज अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि और कितना ही दूर हम लोगों को जाना पड़ेगा। भाई साहब ओके ओके, तो फटाफट से आगे बढ़ते और देखते कि गाइज यहाँ से अभी हम लोगों को और कितना ही दूर जाना पड़ेगा। तो गाइज फिलहाल के लिए हम लोगों को जो माउंट चिलियाड का टॉप है वो तो नज़र आ चुका है भाई, लेकिन यार हम लोगों को ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभल के अपने कार को ड्राइव करना पड़ेगा। हट जा भाई, हेलो हट जा भाई, फालतू का ठोका जाएगा। हट जा हट जा हट जा, अबे अंकल अबे हटने को बोला था भाई, आप लोग तो हटोगे नहीं। अरे यार यहाँ पे हम लोगों को यार पीछे, ओके ओ भाई वेट यार वेट, हमारे पीछे ना गाइस वन स्टार की पुलिस पड़ चुकी है। बट यार हम लोग जो है वो माउंट चिलियाड जो है वो पहुँच ही चुके हैं। ओके फिलहाल ये देखो यार, यहाँ पर हम लोग जो वो माउंट चिलियाड का जो टॉप है ना गाइज वो पहुँचने ही वाले हैं। ओके लेकिन यार यहाँ तक आने में ना हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि यार ये वाला जो कार है ना वो तो यार इजीली चढ़ ही गया, लेकिन कहीं कहीं पे यार काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा। ओके ओके ओ भाई वेट गाइज, ओके ओह ओके ओके, फिलहाल के लिए गाइज चढ़ जा भाई 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 भाई, यहाँ पर मत फंसी हो यार, यहाँ पर मत फंसी हो। ओके 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 ओके, चढ़ जा। ऑल राइट गाइज, तो फाइनली आ चुके हम लोग अपने माउंट चिलियाड पे। वेलकम टू माउंट चिलियाड। और यार यहाँ पर ना ढेर सारे हम लोगों को लोग नज़र आ रहे हैं जो कि यार यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यार ये वाला जो हमारा SUV है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल SUV है जो कि हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइज मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय।